गंगा में आई बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, जिसके बाद अब नुकसान की निशानियां दिखने लगी हैं। नमामि गंगे के तहत मोकामा के वार्ड नंबर 10 में निर्माणाधीन एसटीपी पिछले 15 दिनों से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। निर्माण एजेंसी बुटको के एई सचितानंद ने बताया कि दिसंबर 2021 तक निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाढ़ के कारण फिलहाल काम रुका हुआ है। पूरा एसटीपी संयंत्र चारों ओर से पानी से घिरा है। वहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन नाव है। हाथीदा में पिछले 7 दिनों से एनएच 80 पर गंगा का पानी बह रहा है। महेंद्रपुर से हाथीदा स्टेशन और मराची पीएसजी तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पर असंख्य गड्ढे उभर आए हैं। हर दिन हजारों वाहन यहां आकर फंस जाते हैं। बावजूद इसके अब तक सरकारी महकमे की ओर से सड़क को जलमुक्त करने की कोई पहल नहीं हो पाई है। पचमहला में गंगा का पानी एनएच 80 से उतर गया है, लेकिन यहां भी सड़क जर्जर हो गई है। यहां से गुजर रही गैस पाइपलाइन योजना का काम कुछ जगह बाधित हुआ और जिसके बाद शुक्रवार को वहां मरम्मत कार्य किया गया। कसहा दियारे का सड़क संपर्क अभी तक बाधित है। घोसवरी प्रखंड के महादेव स्थान, गोसाई गांव, रामनगर, पैजना आदि में 2000 एकड़ भूमि पर लगी खड़ी फसल पानी में डूब गई। प्रखंड की आधा दर्जन सड़कों को बाढ़ के पानी से खासा नुकसान पहुंचा है। गंगा नदी में आई बाढ़ के रामनगर दियारे को सबनीमा गांव के सामने एनएच 31 से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। रामनगर करारी कछार पंचायत के प्राथमिक विद्यालय चंद्रदीप राय से बाबा साहेब कुटिया जाने वाली ग्रामीण पक्की सड़क जर्जर हो गई है। बाढ़ के कारण रामनगर दियारा के करीब 10,000 की आबादी के लिए आवागमन की समस्या गंभीर हो गई है। कुछ लोग किसी तरह सरकारी नाव से आ जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सैकड़ों एकड़ की फसलें बाढ़ में तबाह हो गई है। लोगों ने सरकार से फसल मुआवजे की मांग की है। लोगों ने कहा है कि बाढ़ की वजह से पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से पशु के लिए चारे की व्यवस्था कराने की मांग की है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी के साथ प्रखंड में बाढ़ का पानी लगभग जगहों से उतर गया। बाढ़ में डूबी हुई सड़कों की हालत खराब हो गई है। मनेर से रतन टोला रोड, मनेर हल्दी छपड़ा रोड और मनेर से हाथी टोला गांव तक सड़क पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं। मनेर रामपुर दियारा सड़क पर कई जगह टूट गई है। रामघाट सुवरमा रोड स्थित जर्जर है। मनेर के दियारे में सबसे ज़्यादा नुकसान मक्के और धान की फसल को हुआ है। मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सोन नदी के किनारे पर लगी अरहर की फसल का नामो निशान तक नहीं है। एक अनुमान के अनुसार हर पंचायत में सैकड़ों बीघे में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। मक्का और बाजरा की फसल के नुकसान के कारण पशुपालकों के सामने हरे चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की बात कही। किसान ने फसल मुआवजे की मांग की है। पूर्व केंद्र राज्य मंत्री सह सांसद रामकृपाल यादव ने शुक्रवार को मनेर दियारे के रतन टोला, छिनत्तर, हाथी टोला, दुधैला, बदन टोला का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने शिकायत की कि सरकार द्वारा सभी वार्ड सदस्यों को राहत सामग्री के रूप में चूड़ा गुड़ दिया गया है, जिसको अब तक बांटा नहीं गया है। सांसद ने तत्कालीन डीएम से बात कर इन समस्या की जानकारी ली। सांसद ने मौके पर मौजूद सीओ दिनेश सिंह को निर्देश दिया कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त सभी मकानों, सड़कों, फसल क्षति का सर्वे कराया जाए। सांसद के साथ भाजपा नेता निखिल आनंद, रणधीर यादव, उमेश यादव, मनोज गुप्ता, दिग्विजय सिंह, द्वारका प्रसाद मुंशी और धीरज यादव मौजूद थे। गंगा नदी पटना से नीचे उतरने लगी है। गांधी घाट में जलस्तर खतरे के निशान से केवल 22 सेंटीमीटर ऊपर है। अधिकारियों का कहना है कि जिस रफ्तार से जलस्तर घट रहा है उससे ये अनुमान है कि शनिवार को गांधी घाट पर भी यह खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। इस प्रकार शनिवार को पटना में सभी 3 जगहों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे हो जाएगा। दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 54 सेंटीमीटर से भी कम हो गया है। हाथीदा में नदी का जलस्तर 3 दिन पहले ही खतरे के निशान से नीचे हो गया था।
यहाँ नदी खतरे के निशान से 1 मीटर से भी अधिक नीचे बह रही है। इसी प्रकार मनेर में सोन नदी अपने खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि श्रीपालपुर में पुनपुन का जल स्तर 37 मीटर खतरे के निशान से नीचे है।